फर्जी पासपोर्ट रैकेट के जरिए कबूतरबाजी, 8 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर खुफिया विभाग ने ऐसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए कबूतरबाजी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार श्रीलंका, भारत और लंदन से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसी ने 4 श्रीलंका के नागरिक, 4 ब्रिटिश नागरिकों को मुंबई पुलिस के हवाले सौंपा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कबूतरबाजी के रैकेट को समझने के लिए सबसे पहले आप इन 3 अलग अलग रंगों के पासपोर्ट में की गई हेराफेरी को समझिए। मुंबई पुलिस के DCP वीरेंद्र मिश्रा इन 3 पासपोर्ट में छिपी कहानी समझा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं 3 पासपोर्ट। एक पासपोर्ट श्रीलंका का है, एक पासपोर्ट भारत का है और गाढ़े लाल रंग का यह ब्रिटिश पासपोर्ट है। गजन चंद्रपालन श्रीलंका का नागरिक है, जिसका पासपोर्ट आप देख सकते हैं। श्रीलंका के नागरिक गजन चंद्रपालन ने भारत का भी पासपोर्ट बनवाया, लेकिन भारतीय पासपोर्ट पर नाम बदल गया। श्रीलंका नागरिक गजन चंद्रपालन के फोटो के सामने नाम बोवर डोमिनिक ऑलिवर हो गया। बोवर डोमिनिक ऑलिवर ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि श्रीलंका के नागरिक का फोटो और ब्रिटिश नागरिक ब्रोवन डोमिनिक ऑलिवर का नाम भारत के पासपोर्ट पर बनवाया गया, जो कि फर्जी पासपोर्ट है। इसी तरह श्रीलंका के कन्नान थासन कर्थिपान ने ब्रिटिश नागरिक विलियम स्टुअर्ट एलन के नाम का फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया और श्रीलंका के अरुणा सलाम सुथाकारन ने ब्रिटिश नागरिक फाइव हेड्स कैप्टन के नाम का फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया। श्रीलंका की महिला नागरिक कंदासेमी कविनन थिनी ने ब्रिटिश नागरिक वार्नर जूली एन का नाम लेकर नकली भारतीय पासपोर्ट बनवाया। पुलिस ने 4 श्रीलंका के नागरिक और 4 ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ा है और कुल 11 पासपोर्ट जब्त किए हैं। गिरफ्त में आई श्रीलंका की एक महिला आरोपी कंदासेमी कविन थिनी ने अपना भारत का बनाया पासपोर्ट नष्ट कर दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये 8 पकड़े गए हैं तो न जाने कितने अपने इस मकसद में कामयाबी हुए होंगे। फिलहाल पुलिस इन्हें यहां तक पहुंचाने वाले एजेंट की तलाश में है, साथ ही ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि क्या इससे पहले भी ये सब इस तरह के मोड्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। पेश है हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की एक रिपोर्ट। सब श्रीलंका ब्रिटिशर्स की मिली भगत से और इंडियन एजेंट्स की मिली भगत से एक रैकेट है, उनका सबसे पहले मोडस बताया किस मोडस से वो इस रैकेट को ऑपरेट करते थे। एक फेक वीजा और नाम बदलकर विदेश जाना, इसके लिए एक बड़ा रैकेट अथॉरिटीज ने पकड़ा है, जिसमें 4 श्रीलंकन नेशनल और 4 ब्रिटिश नेशनल पकड़े गए हैं जो हमारी कस्टडी में हैं। इसके साथ ही साथ 2 जो एजेंट्स हैं वो अभी उनके पीछे पुलिस है, वो पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं। 9 तारीख को जो श्रीलंकन्स हैं वो श्रीलंका से इंडिया आते हैं, 2 तारीख को जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं, 10 तारीख को एयरपोर्ट में जब श्रीलंकन फर्जी इंडियन पासपोर्ट में ब्रिटेन जाने की फिराक में थे, तब ये गैंग अथॉरिटीज ने पकड़ा है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि श्रीलंकन जो ब्रिटेन जाना चाहते हैं, जिनको डायरेक्ट ब्रिटेन में एंट्री में मुश्किल होती है, तो ऐसे 4 श्रीलंकन ने पहले इंडियन फर्जी पासपोर्ट एजेंट की मदद से बनवाया, उस फर्जी इंडियन पासपोर्ट में खुद का फोटो लगाया, लेकिन जो नाम था वो नाम 4 ब्रिटिश लोगों का था। उसके बाद जिन 4 लोगों के नाम से वो पासपोर्ट था ब्रिटिशर्स के नाम से, वो इंडिया आते हैं और खुद के नाम से मुंबई से लंदन का टिकट लेते हैं और एयरपोर्ट के अंदर वो टिकट इन श्रीलंकन नेशनल्स को देते हैं जिनके पास फर्जी इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन उन 4 ब्रिटिशर्स का नाम है। इस तरह से जो इंडियन फर्जी पासपोर्ट का नाम और उनके बोर्डिंग पास का नाम वो एक ही है और इसकी सहायता से वो मुंबई से और लंदन प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अथॉरिटीज को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली और कंफर्म इन्फॉर्मेशन के बाद उनको T2
मुंबई एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया। क्योंकि जिनको डायरेक्ट ब्रिटेन जाने में समस्या होती है श्रीलंकन पासपोर्ट में, वो इंडियन पासपोर्ट की हेल्प लेकर वो श्रीलंका ब्रिटेन जाने के लिए इस मोडस ऑपरेंडी का यूज करते हैं। ब्रिटिश नेशनल इसमें खुद का नाम प्रोवाइड करवा रहे थे फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए। इसके बाद उन्होंने खुद के नाम से खुद का पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट यूज करके चार उन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए ब्रिटेन जाने के लिए उन्होंने चार टिकट खरीदने के बाद वो उन चार टिकटों को उन्होंने इन श्रीलंकन जो नागरिक है जो श्रीलंकन सिटीजन है उनको उन्होंने हैंड ओवर किया और उनको वहां जाने के लिए फैसिलिटेट किया। सर, जो एजेंट्स हैं क्या इसके पहले भी लोग इस बात का शक आप लोग रख सकते हैं कि इसके पहले भी इस तरह की वीडियो प्रोग्राम दिए हैं, इसका शक है? बेशक हम इसकी अभी जो आठों लोग हैं वो हमारे पुलिस के कस्टडी में हैं, तो हम इस चीज का आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस तरह के पहले भी कितने लोगों को उन्होंने इंग्लैंड भेजा है। अभी हम उसका पीसी में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही हमारे सामने आएगा कि उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है।